एक सपेरा अमीर बनने के लालच में नागिन को पूरा दिन नचाता था। नागिन का कोई अपना ना होने के कारण उसने इस सपेरे की कैद से आजाद होने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। एक दिन सपेरा जंगल के पास वाले गांव में खेल दिखा रहा था, वहीं से एक नाग गुजर रहा था। जब नाग की नजर नाच रही नागिन पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया। एक दिन मौका पाकर नाग नागिन से मिलने जाता है और उसे इस कैद से आजाद करा देने का वादा करता है। नागिन ने कहा, ये सपेरा बहुत बुरा इंसान है, ये कभी मुझे आजाद नहीं करेगा। नाग वहां से चला जाता है। पर अब नाग साये की तरह सपेरे का पीछा कर रहा था। एक दिन सपेरा शराब के नशे में था। नाग ने मौका पाकर नागिन को आजाद कर दिया और खुद इस पिंजरे में जाकर बैठ गया। सपेरा देख तो सब रहा था, पर उसे लगा नशे की वजह से उसे दो नागिन दिख रही हैं। नागिन आजाद होकर वहां से चली गई और बेचारा नाग हमेशा के लिए सपेरे के पास कैद हो गया।